वेलकम टू गाइस माय यूट्यूब चैनल एनके मोटर्स एंड ट्रैक्टर्स। उम्मीद है कि दोस्तों आज आप लोगों के लिए जो ट्रैक्टर लेके आया हूं ये आप लोगों को काफी पसंद आएगा। ट्रैक्टर 510 किलारा से 2011 मॉडल है। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो ये ट्रैक्टर आप पेज फॉर्म मिलेगा। जो भी इस ट्रैक्टर को परचेज करना चाहे मालिक उसका नंबर अपने नाम पर लगवा सकता है। दोस्तों अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बरवक्त पहुंच सके। ट्रैक्टर की जो कि प्राइस है वो भी मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो के एंड में शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों ट्रैक्टर जो है सबसे पहले अगर हम इसके फ्रंट टायर की बात करते हैं तो इसके फ्रंट के टायर जो है शीना के टायर है काफी खूबसूरत है। इसको जो है न्यू इंस्टॉल करने की कोई जरूरत नहीं है। ये टायर आपके लिए जो है इसी ट्रैक्टर में मुफीद है। बाकी अगर हम बैक टायर की बात करते हैं इसमें ओवर साइज का यानी कि टायर जो है इसके अंदर इंस्टॉल है। ये काफी मजबूत जो है टायर है, आपको जो है इसको चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी चारों रिम जो है ट्रैक्टर की ये भी बिल्कुल ठीक है, नीट एंड क्लीन, लेस कंडीशन के, कोई स्क्रैच नहीं है इसके ऊपर। बाकी जो है ट्रैक्टर अगर आप इंजन की बात करेंगे तो इस ट्रैक्टर का जो इंजन है वो भी मैकेनिकल बिल्कुल ठीक है। इस ट्रैक्टर का अगर हम इंजन की बात करते हैं तो ये फर्स्ट टाइम जो है एक दफा खुल चुका है। दोबारा इसको जो है रिपेयर करके इसमें अभी तक इसमें मैकेनिकल कोई काम नहीं है। बाकी ट्रैक्टर जो है मैं आपको ए टू जेड इसी वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ, तो आप जो है वीडियो के साथ जो है जुड़े रहिए और इसको जो है स्किप ना करें ताकि जो है आपको इस ट्रैक्टर की मुकम्मल जो है वीडियो मिल सके। और ट्रैक्टर की प्राइस की अगर हम बात करते हैं तो इस ट्रैक्टर की जो प्राइस है जो आनर की डिमांड है वो है 21.5 लाख रुपए इसकी कैश प्राइस है यानी कि डिमांड है। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बाकी मैं आपको ट्रैक्टर जो है कम्प्लीट दिखाता हूँ। जी मेरे फ्रेंड्स, ये आप ट्रैक्टर देख रहे हैं बिलारस 510। स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं 57 हॉर्स पावर का आपको इसका जो है इंजन मिलेगा, 4 सिलेंडर है। और ये ट्रैक्टर जो है अमूमन ज़्यादा यानी कि टोटल खुल चुका है, इसको दोबारा रिपेयर किया गया है जो एक अच्छे अंदाज से इसको बंद किया है। फ्रंट टायरों की बात करते हैं तो इसके फ्रंट के टायर जो हैं बेलाशीना के टायर हैं। मालिक का कहना है कि ये इसके जो टायर हैं ये इसके कंपनी यानी कि ओरिजिनल इसके अंदर इंस्टॉल हैं। और रिम की बात करते हैं तो इसका जो कलर है थोड़ा सा यानी कि लाइट हो चुका है। अगर आप इसको दोबारा कलर करेंगे तो ये आपने जो है यानी सेट होके इस ट्रैक्टर के साथ इंशाल्लाह मैच हो जाएगा। ट्रैक्टर की अगर हम इसकी गाड़ियों की बात करते हैं तो हल्की हल्की इसके ऊपर शायद टचिंग हो सकती है। बाकी जो है अंदाजे के मुताबिक जो है यहाँ से ये थोड़ा सा ख़राब हो चुका है यानी से रंग उतर चुका है। बहरहाल जो है आप इसका अंदाज़ा वीडियो में लगा सकते हैं। इंजन की अगर हम बात करते हैं तो इसका इंजन जो है बिल्कुल मैकेनिकल वाइज ठीक है। पंप इसका खुल चुका है, इंजन भी खुल चुका है, इसका जो गियर बक्सा वगैरह है यानी कि ट्रैक्टर अमूमन सारा खुल चुका है। बाकी अगर हम इसकी शो की बात करते हैं तो शो जो है बिल्कुल ठीक है, नीट एंड क्लीन, लश कंडीशन का है, मुकम्मल 100% इसके ऊपर कोई आपको स्क्रैच वगैरह नहीं मिलेगा। अब हम आपको ट्रैक्टर का फ्रंट दिखाते हैं जो एक खूबसूरत और अच्छा लुक है इस ट्रैक्टर का। अगर हम टायरों की भी बात करते हैं तो इसके जो टायर हैं ये भी काफ़ी खूबसूरत हैं। और सलेंसर जो है शायद इसके अंदर देसी लगाया है या इसको जो है छोटा करके इसको दोबारा फिट किया है। बाकी आप इसका जो है वीडियो में अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब मैं आपको इसका कैबिन दिखाता हूँ। इस ट्रैक्टर का कैबिन भी जो है काफ़ी खूबसूरत है, अंदर से ये आप देखें कहीं से जो है ख़राब नहीं है। इसका सिर्फ ये जो मैट है ये नहीं है, इसका मैट जो है लेना पड़ेगा। जो भी इसको परचेज़ करना चाहता है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप इसका जो है आप लाजमी इसका मैट लें ताकि बाकी जो है ट्रैक्टर ख़राब ना और जंग वगैरह ना हो। हाउसिंग की बात करते हैं तो इस ट्रैक्टर का जो हाउसिंग है बिल्कुल ठीक है, अगरचे इसके अंदर थोड़ा सा लकीर है बाहर बाकी ठीक है। अगर इतनी छोटी सी लकीर हो या थोड़ा सा ख़राब हो तो इसमें जो है टेंशन वाली कोई बात नहीं है। बाकी आप जो है मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो में, शायद वीडियो के अंदर क्लियर नज़र नहीं आ रहा। बहरहाल मैंने आपको बता दिया है, जो भी परचेज़ करना चाहता है आने से पहले जो है वीडियो कंप्लीट देखें, इसकी बिल्कुल ना करें। बैक रिम जो है इसके भी बिल्कुल ठीक है, नीट एंड क्लीन, लश कंडीशन के हैं, कोई स्क्रैच वगैरह नहीं है, दोबारा रीपेंट नहीं हुआ, बिल्कुल जेन्युइन कलर है इसका। अब बैग भी मैं आपको दिखाता हूँ, दीवार के साथ टच करा है तो इसी वीडियो बनाने में दुश्वारी हो रही है, इसलिए आपसे माजर चाहता हूँ। बाकी ट्रैक्टर जो है सेल्फ स्टार्ट आपको मिलेगा। इसका जो एच फार्म कागज़ हैं आप अपना नाम का नंबर लगवा सकते हैं, अभी तक इसकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई, कागजात एच फार्म में जो भी लेगा वो अपने नाम का जो है नंबर लगवा सकता है। तो उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी। रेट की अगर हम इसकी बात करते हैं तो पहले भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है कि इसकी जो डिमांड है 21.5 लाख रुपये है नेट कैश। इंस्टॉलमेंट पर जो है वो एक अलग बात है, वो आप जो है यहाँ आके उनसे बात करेंगे तो शायद जो है आपको
ये इंस्टॉलमेंट पर भी मिल सकता है। बाकी इसकी जो प्राइस है 21.5 लाख रुपए नेट कैश प्राइस है। अगर लेना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में रब्ता करके जेन्युइन मालिक का नंबर आप लोगों को मैं सेंड कर दूंगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। और इसी के साथ मुस्तफ़ा खान होस्ट को इजाज़त दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो तक मेरे साथ रहिएगा, दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।